उमर रियाज को बताया निशांत को सबक सिखाने का प्लान। आखिर क्या है इनके प्लानिंग और क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको देती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, निशांत भट्ट को सबक सिखाने का प्लान, जैसे कि निशांत भट्ट ने तेजस्वी और करण के साथ किया है, यानी कि उन्हें जो है वीआईपी कंटेस्टेंट्स नहीं बनाया, उन्हें रहने नहीं दिया वीआईपी और उन्हें नॉन वीआईपी कर दिया है। तो वहीं अपने दोस्त प्रतीक और सिम्बा को ले लिया है उन्होंने अंदर, यानी कि वो बन गए हैं अब वीआईपी और तेजस्वी प्रकाश और जो करण है वो नॉन वीआईपी बन गए हैं। अब इसी के चलते कहीं ना कहीं करण काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं, तेजस्वी भी काफी ज्यादा हर्ट हुई है, जिसके चलते उमर रियाज से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं करण कुंद्रा। और क्या कुछ कह रहे हैं करण कुंद्रा उमर रियाज से, तो मैं आपको बता दूं कि करण कह रहे हैं कि देख, अब निशांत ने जो किया है वो काफी गलत किया है हमारे साथ, और अब उसको सबक सिखाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका हमारे पास में रह चुका है। जब उमर पूछते हैं कि आखिर कौन सा है ऐसा तरीका जिससे हम सबक सिखा सकते हैं निशांत को, तो यहाँ पर करण कहते हैं कि देख, हम दोनों को तो निशांत ने बाहर कर दिया है वीआईपी से, अभी तू ही है जो कि वीआईपी में है और तू ही उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो हमको बता सकता है, यानी कि तू अपना बंदा है, हम तुझको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और तू चाहे तो हमारा साइड देकर और जो है निशांत को सबक हम सिखा सकते हैं, यानी कि तू हमें प्लानिंग प्लॉटिंग बता कि वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि 5 मेंबर्स हैं वीआईपी और जो भी डिस्कस करेंगे साथ में डिसीजंस लेंगे, तुझे भी सारी चीज़ें पता होगी। वेल, हम लोग भी बाहर से यही कोशिश करेंगे कि तू वीआईपी कंटेस्टेंट बना रहे, क्योंकि बाहर वालों के हाथ में भी पावर्स आती है इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर जो है करण दिलासा दिलाते हैं उमर रियाज को कि तू हमारी साइड से बेफिक्र रहे, हम तुझे ही वीआईपी करेंगे जब कभी भी हमारे पास मौका आएगा, लेकिन मेक श्योर कि अगर तेरे पास में जो जो भी चीजें हैं, यानी कि तू जो हमें बता सकता है वो तू बता, और कैसे ना कैसे करके अब निशान को सबक तो हमें सिखाना पड़ेगा। बेसिकली ये जो है काफी ज्यादा अगेंस्ट चले गए हैं निशान के। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे करण कुंद्रा क्या करते हैं वीआईपी बनने के लिए और अपना गेम और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वेल, आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।